हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानीर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आईडी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसका आइडिया हमने लिया था यूएसए से, और टेक्स्ट जो है वो हमने लिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि पंडित नेहरू ने मूव किया था। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली उन कोर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ की बात करता है जिनके आधार पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की गई थी। प्रियम्बल में बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स की, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। उसी के बाद प्रियम्बल में कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं विच रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। फॉर एग्जांपल, सोवरेन। सोवरेन का मतलब है दैट इंडियन स्टेट इज़ एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। हमारे पास एक अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। सोशलिस्ट का मतलब होता है जहाँ पे वी हैव अ सिस्टम ऑफ मिक्सड इकॉनमी, जहाँ पे वी टॉक अबाउट अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्टिक एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। फिर बात करते हैं सेक्यूलर की। सेक्यूलर का मतलब है ऑल रिलीजन दे गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, जो कि आर्टिकल 25 to 28 ऑफ फंडामेंटल राइट्स में भी मैंशन है। देन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि इंडिया में एक एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड रहेगा इंडियन स्टेट का वो इलेक्टेड रहता है। इंडिया के केस में इट इज प्रेसिडेंट। देन प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949, और हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 में किया था, बट इन्फोर्स 26 जनवरी 1950 में किया गया था, जिसे हम आज की डेट में रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड टू गेट मोर सच वीडियोज़।